मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे हैं। सरकार का मंत्री जब रात के अंधेरे में अस्पताल पहुंचता है तो उन्हें कोई नहीं मिलता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने विषम हैं। मंत्री गोपाल भार्गव अपने इलाके के अस्पताल के हाल जानने पहुंचे तो उनके हाथ में सिवाय अव्यवस्था और लापरवाही के और कुछ नहीं आया। अपने ही राज्य में मंत्री ने जो कुछ अनुभव किया उसे सबके सामने लाकर व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव कहते हैं, विगत कुछ दिनों में मुझे शिकायत प्राप्त हो रही थी कि गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी उन्हें नहीं मिलते। देर रात मैंने गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मेरे साथ में गड़ाकोटा नगर के कुछ आमजन भी मौजूद थे। मैंने पूरी अस्पताल का भ्रमण किया और जोर जोर से आवाज भी लगाई, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, यहां तक कि चौकीदार भी अस्पताल में उपस्थित नहीं मिला। पूरे अस्पताल की परिक्रमा करने के बाद मैं अपनी स्कूटी से अपने घर आ गया। सोच रहा हूं कि कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये क्या सिस्टर, ड्यूटी रूम जी? अच्छा, इसमें कोई रहता है? नहीं रहता कुछ है? यहाँ कौन है? कोई है भैया? कोई है? कोई नहीं है। कोई है? चलो कोई लाइट जला, लाइट सरकार में मंत्री के गृह नगर के स्वास्थ्य केंद्र के ये हालात हैं कि मंत्री रात को जाग रहा है और कर्मचारी दिन में भी नहीं मिल रहे हैं। मंत्री बताते हैं, यही हाल मेरे विधानसभा क्षेत्र के रेहली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा शाहपुर स्वास्थ्य केंद्र का भी है। मैंने यह तय किया है कि जब भी मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा, दिन और रात में कम से कम दो बार इन अस्पतालों का औचक निरीक्षण अवश्य करूंगा। ना ही खुद सोऊंगा और ना ही सोने दूंगा, तथा लापरवाही में लिप्त पाए जाने पर इनके विरुद्ध विधि सम्मत जो भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी उसे भी करूंगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।